छठ पूजा। इस पर्व के बारे में मुझे एक महीने पहले तक कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसे सेलिब्रेट कैसे करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक दिन हुआ क्या, मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था और मुझे विशाल मिश्रा, जो कि एक सिंगर है, उनकी एक रील मिली और उस रील की ऑडियो मेरे दिमाग में अटक गई थी। उस रील की ऑडियो में इतने ज़्यादा इमोशन थे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत यूट्यूब पे गया, उस सॉन्ग के बारे में मैंने सर्च किया, छठी मैया बुलाएं, और उस सॉन्ग को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि छठ के महत्व क्या है, उसे सेलिब्रेट कैसे करते हैं और उसके रीज़न क्या होते हैं। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे छठ के ऊपर एक वीडियो बनानी है। संध्या, छठ का तीसरा दिन, जहाँ पर व्रती नदी में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, यानी व्रती सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए अपनी प्रार्थनाएं कहती है। ये जो बांस से बनी हुई सूप आपने देखी, इसे भोजपुरी में बहंगी कहते हैं, और इस बहंगी में तमाम वो फल और वस्तुएं आपको मिलेंगी जो कि इस सीजन में उपलब्ध रहती है, और व्रती इन्हीं वस्तुओं से छठी मैया को प्रसाद चढ़ाती है। अक्सर लोगों को यह लगता है कि छठ में व्रती सिर्फ अपनी संतान की दीर्घायु के लिए ही छठी मैया की पूजा करती है, पर वह साथ ही साथ अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करती है, जिसके लिए वह अपनी नाक से लेकर मांग तक का लंबा सिंदूर भी लगाती है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद और छठी मैया की पूजा समापन के बाद घर का एक पुरुष अपने सर पर बहंगी और प्रसाद को रख कर घर की ओर प्रस्थान करता है, और इसी तरह ढलते सूर्य के साथ अंत होता है छठ के तीसरे दिन का, और व्रती इंतजार करती है छठ के चौथे दिन का, जब वह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे पाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप जो नीचे थैंक्स बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।